नमस्कार दोस्तों, टीक अर्चना चैनल में आपका स्वागत है। मैं अर्चना, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऐसा एरो कैसे बनाते हैं, और साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इस एरो का यूज आप अपने फोटो या थंबनेल में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा एरो बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे ओपन करना है, और ओपन करके ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर बीच का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और शेप्स का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और यहाँ पर ब्लैक जो आइकन दिख रहा है इस पर आप टैप करेंगे तो बहुत सारा शेप ओपन हो जाएगा। तो इसमें से अर्धवृत्त जो शेप है इस पर आप टैप करेंगे, और उसके बाद इसमें नीचे जाएंगे तो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें आप जिस भी कलर का एरो बनाना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं रेड अभी कर रही हूँ, और उसके बाद फिर राइट का जो ऑप्शन है इस पर आपको टैप कर लेना है, और इसे थोड़ा सा आप यहाँ से रोटेट करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे, और फिर इधर आप टैप करेंगे तो ये सिलेक्ट है तो हट जाएगा। और उसके बाद फिर शेप्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और फिर यहीं शेप लेना है अर्धवृत्त का, और ले करके और राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और इसका कलर चेंज नहीं करना है। जो पहले का जो शेप्स का कलर है उससे इसका कलर भिन्न होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से आप इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, और जितना टेढ़ा आपको एरो बनाना है उस तरह से आप इसे सेट करेंगे। तो नीचे वाला थोड़ा सा और रोटेट करके, और इसे ले जा करके और अच्छे से सेट करना है। थोड़ा सा इसे बड़ा छोटा करके आपको अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि आप अभी जितना अच्छा से सेट करेंगे उतना ही अच्छा एरो ये बन करके तैयार होगा। अच्छे से सेट करने के बाद इधर आप टैप करेंगे तो ये सिलेक्ट हो है तो हट जाएगा। फिर इसमें एरो का जो ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है, और टैप करके एरो का आगे का पार्ट आपको जैसा रखना है वैसा सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला अच्छा है, और उसके बाद फिर इसमें नीचे जाना है, और पीछे का पार्ट ये वाला सही रहेगा, बराबर हो जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद नीचे जाना है और इसका कलर रेड कर लेना है, और फिर इसमें नीचे जाएंगे तो स्ट्रोक का एक ऑप्शन मिलेगा तो इसे जीरो कर लेना है, क्योंकि अभी देखिए ब्लैक कलर का इसमें स्ट्रोक बन रहा है, तो इसे आप जीरो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद इसे इसमें सटा लेना है, और सटाने के बाद फिर राइट का जो ऑप्शन है इस पर आपको टैप कर लेना है, और टैप करके इधर आप स्लाइड करेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और बड़ा करके यहाँ से रोटेट करके और इसे अच्छे से इसमें सेट करना है। तो इसे आपको अच्छा से सेट करके देखिए अच्छा से सेट हो गया, और सेट करके इसमें फोर्थ जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप कर लेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और यहाँ से थ्री डॉट का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करके इसे गैलरी में सेव कर लेना है। सेव टू गैलरी का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, और फिर बैक चले जाना है। फिर से आपको पिक्सल लैब को ओपन करना है, और ओपन करके कैंसल का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है तो इसे यहाँ से डिलीट कर लेंगे, और डिलीट करके इसमें बीच का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और इम्पोर्ट का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करके उस इमेज को फिर से ले लेना है एरो वाला, और राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है, और इसे आप बड़ा करेंगे, और इधर आप जाएंगे इरेज कलर का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और इस पर आप टैप करेंगे तो ये व्हाइट जो शेप था वो हट जाएगा, और इसे आप अधिक कम करके देख सकते हैं कितना पर ये अच्छा लग रहा है। और नीचे वाला तो जीरो है तो वही सही है, और राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है, और फिर ये फोर्थ जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और ट्रांसपेरेंट का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे तो ये एरो फाइनली बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ से थ्री डॉट का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करके एक्सपोर्ट इमेज का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और सेव टू गैलरी पर टैप करके इसे आप गैलरी में सेव कर लेंगे। इस एरो को आप फोटो या थंबनेल में कैसे यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए पिक्सल ऐप आपको ओपन करना है, और ओपन करके कैंसल का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करके, और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ से आप डिलीट करेंगे, और डिलीट करके यहाँ से फोर्थ जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और फ्रॉम गैलरी का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और टैप करके उस इमेज को ले लेना है जिसमें आप इस एरो को लगाना चाहते हैं, तो उसे ले करके, और उसके बाद फिर तीसरा जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करेंगे, और इम्पोर्ट का जो ऑप्शन है इस पर आप टैप करके और उस एरो को ले लेना है, और राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है तो एरो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे लेने के बाद इस एरो को अगर ये इधर साइड से है तो इधर साइड से आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसमें आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर 3D रोटेट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इस पर आप टैप करके देखिए इधर की तरफ हो जाएगा, इधर आप स्लाइड करेंगे तो इधर की तरफ होगा,
और नीचे वाले ऑप्शन से आप इसे आप घुमा सकते हैं। तो जैसे आपको यूज करना है वैसे आप इसे घुमा करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रोटेट का एक ऑप्शन है, इस पर भी आप टैप करेंगे तो ऐसे ऐसे ये राउंड शेप में घूमेगा। तो जिस तरह से आपको यूज करना है वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं अपने थंबनेल या इमेज में, और सेट करके अच्छे से और राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। और उसके बाद इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इसका कलर चेंज करना है, आपका थंबनेल या फोटो रेड है तो इस एरो को आप रेड रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका कलर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर टाइप करेंगे और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर का आपको करना है, और राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। इस एरो में अगर आपको स्ट्रोक लगाना है तो यहाँ से आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। स्ट्रोक का जो ऑप्शन इस पर आप टैप करेंगे और इस पर टैप करके आप जिस भी कलर का स्ट्रोक देना चाहते हैं उस कलर का स्ट्रोक दे सकते हैं और इसे कम या अधिक कर सकते हैं, और फिर राइट वाले ऑप्शन पर आप टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस एरो का यूज अपने थंबनेल या फोटो में कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।